खान तुम भी फातिहा पढ़ो ना, अब तो तुम्हारा ससुराल वालों का कब्र है। मेरा दुश्मन का कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ता, दुश्मन का कब्र पे फातिहा पढ़ो ना तो अपना फातिहा पढ़ा जाता है। हाँ तो खाना माना मंगवो। हाँ चलता है कुछ चल। जंदा, जंदा, ये क्या कर रहा है तू? तुमको सुना ही नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? छोड़ो मुझे, कब्र खोद रही हो अपनी। पागल हो गया तू? छोड़ो मुझे, छोड़ो इसको, छोड़ो। कब्र खोदूंगी अपनी, कब्र खोद रही हूँ, कब्र खोद रही। तुम तो कह रहे हो कि बस करो आप। कब्र खोदूंगी, खुद खोदूंगी। उठो, 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 बस करो। पागल हो गया तुम? इधर देखो, बस अब चलो हमारे साथ, चलो। अम्मा से मिलना है, मुझे मेरी अम्मा से मिलना है। अम्मा, अम्मा से मिलना, अम्मा, अम्मा, मुझे अम्मा से मिलने दे, अम्मा, अम्मा। कसम है अम्मा, कसम है मुझे अपने भाइयों की और अपने बाप की कि मैं उनका बदला लूंगी। माँ ये कब्र मैंने हमारे दुश्मनों के लिए खोदी है। कसम है मुझे मेरे भाई और बाप की, अगर उनका बदला ना ले सकी तो उसी कब्र में खुद को दफना दूंगी। मैं आऊंगी अम्मा, नफरत की कहां है, सांस ले तो सांस दुखती है। दुश्मनी दो कबीलों की उम्र साथ चलती है, सब को जला दे जैसे कोई शरारा, मिल ही ना पाए जैसे कोई किनारा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, क्या हालत बनाया तुमने अपना?
कैसे? तो तुम तो कब्रिस्तान गया था ना? बच्चा बोलो। कब्रिस्तान नहीं गई थी, अपने घर गई थी। घर? वही घर जिस बहुत खुशी से बाबा हम सबको लेकर आए थे। उस घर हमेशा हो रहेंगे कि कपड़े बना दे गए हाल पापा आकाश हमेशा वहां रहेंगे एक साथ। मैं बदबخت उनकी दुश्मनों के पास एक कब्र मैंने भी खो दी है। समदाई, ये तुम कैसा बातें कर रहे? मेरी अम्मा बीमार थी, वो क्या हाल है? बातें करती लेकिन कोई उनको जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अपनी जिंदा को भी नहीं पहचान रही थी। मेरा बच्चा, हौसला करो, सबर कर बच्चा। हमको तो क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा पास तो उनको देने का वास्ता कुछ भी नहीं है। हम वांझ है ना, क्या देगा किसी को? उधर हमारा दिल में दुख रखने के लिए बहुत जगह है। देगा तुम्हारा तो देगा तुम्हारा। अभी बच्चा तुम अपना आपको मजबूत करो। ये पत्थर का बना घर में लोग भी पत्थर का है। आपको कमजोर दिखाएगा, रोएगा तो तुम्हारा हालत भी हमारा जैसा हो जाएगा। बच्चा बोलो, कपड़ा बदलो, हम तुमको बाहर लेकर जाएगा। जब से मिलवाते चनार खान का बड़ा बेटा बरलास खान है, ये उससे छोटा असफंद और ये सबसे छोटा एजाज खान। बादशाह खान अपना बीवी बच्चा लोग के साथ मुल्क से बाहर रहता है। इनका बेटा पामीर खान, उसका मंगनी हुआ है अपाना के साथ। अपाना का हम तुमको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर को छोड़ो चाची, अब मैं अपाना। मैंने तुमको चाचा से निकाह का मुबारकबाद देना था, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे बताया तुम्हारे बाबा और भाई के बारे में। मुझे बहुत अफसोस हुआ और फिर मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ा। तुम मोरे से मिला? हाँ हाँ मिल लिया। ये बहुत बातें करती है, इसकी बात का बुरा नहीं मनाना। कितना खूबसूरत है ना अम्मा? माशाल्लाह। अभी बाबा का कैमरा ठीक होता तो हम इसके साथ तस्वीर लेके अभी इस एल्बम में लगा दो। आकाश तस्वीर लो। देखो नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बाहर के साथ में। चलो वाह
शाबाश शाबाश, दुश्मन का बेटी से मेल मिलाप हो रहा है। ये अब चना खान का बीवी है गुलबरीन। और चलो चलो, हमको मत समझाओ ये कौन है और कौन नहीं है। इस घर में उसका वैसा ही औकात जैसा बरेरा का, बस नाम का बीवी है ये। ज्यादा इसका आगे पीछे घूमने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना तरीका है और हमारा अपना। इस जनान खाने में सिर्फ हमारा तरीका चलता है, सिर्फ हमारा। ये बात तुम सब ना भूलो तो अच्छा है, और इसको भी ये बात अच्छी तरह समझा दो। बरेरा, खाने का वक्त हो रहा है, उसका तैयारी पकड़ो और इसको इसका काम समझा दो। मेहमान नवाजी चल रहा है इस घर में। ये सब तुम्हारा खामोशी की वजह से हुआ। इसको इतना लंबा जुबान मिल गया। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया तुम? जोर से अपने आप के साथ ऐसा जुल्म करेगा तो कैसे बदला लेगा? बदला ही तो ले रहा हूं मैं अपने आप के साथ। मारा तो मेरी जिंदगी पे, मेरे होते हुए वो मेरी दुल्हन को ले गया। और तुम कहते हो कि मैं हौसला करूं, सबर करूं। तुम जानता है तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो तुम अभी इतना कमजोर है कि तुमसे एक गोली निशाने पर नहीं लग रहा। बादल खान, अभी तुम्हारा हालत ठीक नहीं है, थोड़ा सबर करो। हम कसम खाते हैं जिस दिन तुम्हारा गोली निशाने पर लग गया हम तुमको नहीं रोकेगा। अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं है मेरा दोस्त, इसको भरने दो। जब तक मेरे दुश्मन का खून का मरहम नहीं लगेगा ये नहीं भरेगा। हाँ तो लगाएगा ना, दुश्मन के खून का मरहम ही तो लगाएगा। बस थोड़ा सा सबर करो, अभी हर तरफ ये खबर फैला हुआ है कि तुम मर गया है, ये इसका फायदा उठाओ। बिजम तब यही सोच रही होगी कि मैं मर गया, उसको पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये ठीक नहीं है। सब बातें ठीक हो जाएगा मेरा दोस्त, जब तुम ठीक हो जाएगा। देखो जरा फस फस रहा है। ओए चनार खान। हाँ बाबा। यारा वो लड़का किधर है जिसका सालगिरह माल गिरा है? बाबा लड़का किधर है? अबू जवान हो गया है। आज उससे पायरिंग करवाओ। ये केक बेक ये जनाना काम है, यहरी लोगों का है के बच्चे का जेवर उसका हथियार होता है। बिस्मिल्लाह हो गया आसफंद का, अभी दरवेश खान का बच्चे को उसी ने उड़ाया। चनार खान उसको हमारे साथ लगा दो ना यार, उसको तो फिरने का वैसे भी शौक है। हाँ अच्छा बात बोला है गुलाब खान, इसके साथ लगाओ।
उसको पता चलना चाहिए कि धंधा मंदा कैसे होता है। लगाएगा बाबा, अभी क्या बोलता वो अंग्रेजी में, वो गाड़ी को जो करता है यार, स्टार्ट। स्टार्ट बहुत अच्छा है हमारा बच्चे का। ठीक हो गया? क्या कर रहे हैं तुम लोग यार, केक मेक लेकर आओ। जामदा, तुम इधर क्या कर रहे हैं? चलो आओ हमारा साथ बाहर। फिर वही सोच रहा है कुछ? नहीं, दुख उसी को नजर आता है जिसके पास होता है, हमको नजर आता है। केक कब कटेगा? जब वो चाहेगा कट जाएगा। तुम दोनों यहां पर है, तैयार में यार क्यों नहीं हुआ है अभी तक? हम तैयार? तुम्हारा बात नहीं कर रहा है, तुम तो पुराना बिल्डिंग है, रोगन मोगन का अब कोई फायदा नहीं। तुम हमारा गुलबदन, तुम तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं तैयार हूं। ये तुम तैयार है? ऐसा तैयार होके तो जनाजे पे जाता है बंदा। तैयार मैयार करो इसको फौरन। आज हमारा ताजा फूल का खुशबू सूंघने का मूड है। चलो जंत, तो बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मतलब? मतलब थोड़ा स्पेशल वाली, डबल प्यारी। डबल वाला झूठ तो बोला मत। कसम से। अच्छा ये बताओ, अम्मा का मूड कैसा? बहुत खराब। मैंने बड़ी कोशिश की है, बाहर ही नहीं आ रही है। अब तो लगता है चनार चाचा यहाँ की मनाएंगे। एक आखिरी कोशिश मैं भी करके देखता। चलो मड़ा फूक शूक मारो। आ, आ, चलो काटो आप। क्या बात है, या बारा भाई, या बार। चला जा। चलो जा। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? चलो चलो। ये देखो हमारा बच्चा को लड़की बनाएगा यार। तुम मारा क्या? चलो केक में खिलाओ इसको अपनी माँ को। चलो
खुदा का कसम लाला फायर कर। खबरदार जो आप इधर से बाहर गया असमत खान, हम तुमको क्या कह रहे, हमारा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर से बाहर नहीं जाना, चुपचाप इधर बैठो। डरते को गोली चलाने का शौक चढ़ा। क्या हुआ है ये अम्मा, हमको क्या समझते है, हम कोई लड़की है? बस वो नहीं चाहता ना कि तुम सब लोगों की तरह गोली मोली चलाए। तो फिर क्या करे, चूड़ी मुड़ी पहन ले। अभी ना तुमको समझा सकता है ना तुम्हारा अम्मा को। तुम ठीक कह रहे हो असफल, जो सीनों में गोलियां उतारता हो उसको हवाई फायरिंग से कोई मना करे तो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। और क्या, तो जा। नहीं, अम्मा वहां बाहर आएगा, सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि आज हम फायरिंग किए बगैर सोएगा नहीं। तो फिर ऐसा करो, ऊपर छत पे चले जाओ, वहां जाके फायरिंग भी देखो और फायरिंग करो भी। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अभी तुम देखना, ये सब लोग मिलकर इतना फायरिंग नहीं करेगा जितना हम अकेला छत पर करेगा, हर तारे में गोली उतारेगा।
सबर और हिम्मत से काम लो जनार खान। तुम घर जाओ बाबा, अब माता है। बड़ा अफसोस हुआ है तुम्हारा भतीजे का इंतकाल खसुन। तुम्हारा भतीजा इस दुनिया से चला गया। क्या है, गले नहीं लगाएगा हमको? ये क्या है गुलकान, हमारा बचपन का दोस्त है, तुम हाथ बांध दिया उसका? बहुत गलत बात है, हमको लगता है गलत किया है गुलकान, ये बहुत गलत किया है तू ना, बहुत गलत। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। अभी उसका हाथ बंधा होगा तो अपना भतीजे का कब्र पे फतेह कैसे पड़ेगा? ये चल फतेह पड़ता है, फतेह पड़ता है, चल चलो सब फतेह पढ़ो। रहीम खान, तुम हमको एक बार बोला था कि असवन जान दे दोबारा, कैसा जान? झूठ बोला था? तुम्हारा जान उधर सो रहा है और तुम यहां से ऐसे भाग रहे हो। रहीम खान, हमको तुम्हारा ख्याल है, तुम भाई है हमारा, इधर तुम्हारा जान के पास तुम्हारा कब्र बनवाया, ऐसा खुला अच्छा खबर है। अब तुम्हारा बचपन का दोस्त जान पूछ के गोली नहीं मारा मैंने, लग गया था, हमने नहीं मारा गोली। तो नहीं करना था ना गलती, नहीं करना था। हम अपना बच्चा को खोया और अपना बचपन के दोस्त को भी खो रहा है।
क्या करें, मजबूर है। चलो नहीं जा, कलमा पढ़ो। लाला, वो तुम्हारा आदमी रहीम खान को पता नहीं किधर ले गया है। रहीम खान ने जानबूझकर फायरिंग नहीं किया था, वो तो गलती से लग गया था। रहीम तो सारा रात दुख में सोया भी नहीं। अब सोएगा, सुकून से सोएगा। लाला, रहीम किधर है? सच्चा बात है भाभी, हमको भी खुशी नहीं है इन सब की। हमारा बचपन का दोस्त था वो, बिल्कुल भाइयों जैसा। उस रिश्ते से तुम हमारा भाभी है, ये भतीजा है हमारा। अब वो चला गया दुनिया से, तो तुम दोनों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ये लो, ये रख लो। तुमने मार दिया रहीम खान को? हमने नहीं मारा है, उसने खुद अपना मौत को दावत दिया था। तुमने मार दिया रहीम खान को? मार दिया तुम? हम तुमको अपना लाला समझता था, तुमने अपना बहन का घर उजाड़ दिया। हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अजमत को लेकर आओ।
सो गया हमारा बगैर नहीं सोएगा, हमारा बगैर नहीं सोएगा, हमारा बगैर, हमारा बगैर नहीं, हमारा बगैर नहीं सोएगा। अजमत गुलाम, अजमत गुलाम, अजमत गुलाम, अजमत गुलाम, हमारा बगैर नहीं सोएगा, हमारा बगैर नहीं सोएगा। अजमत, अजमत, उबा रहा बोल भरे।